हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज के इस लेक्चर में हम लोग NCERT RBSE बायोलॉजी का 12th चैप्टर जो है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्ट मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट इस चैप्टर को देखेंगे, जो कि नीट और अदर टीचर एग्जाम्स जो हैं उनके लिए यूज़फुल है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट में मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर डेवलपमेंट। मेल और फीमेल प्लांट जो होता है उसके अंदर मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, कैसे उसका डेवलपमेंट होता है, इनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्लांट जो होता है एंजियोस्पर्म प्लांट जो होते हैं उनके अंदर जो जेनेटल स्ट्रक्चर होती है वो फ्लावर होता है। फ्लावर के अंदर ही मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ मॉर्फोलॉजी ए फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट। मॉर्फोलॉजी की बेस पे यदि देखें तो फ्लावर जो होता है वो एक मॉडिफाइड शूट होता है, जो कि रिड्यूस ग्रोथ के साथ होता है। इन विच द टिप ऑफ पेडिशेल हैज़ हाईली कंडेंस इंटरनोड्स एंड नोड्स। ऑन दीज इंटरनोड्स स्टेरल एंड फर्टाइल फ्लोरल लीव्स आर अरेंज एज अपेंडेज। ये जो फ्लावर होता है इसके ऊपर फ्लोरल लीव्स जो होते हैं वो अपेंडेज के रूप में प्रेजेंट होती हैं। देयरफॉर द फ्लावर इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पोरोफिल बियरिंग शूट्स, इसलिए जिसको स्पोरोफिल बियरिंग शूट्स भी कहते हैं। इन जनरल देयर आर फोर मेजर पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। एक जनरल जो फ्लावर होता है उसके अंदर मेनली जो है वो चार पार्ट होते हैं। विच आर अरेंज एज ए होल, जो कि एक चक्र के रूप में प्रेजेंट होते हैं। दीज होल्स एंड देयर नंबर आर कैलिक्स, ये सबसे आउटर मोस्ट होता है, सबसे बाहरी चक्र होता है जिसको हम लोग कैलिक्स या जो बाह्य दलपुंज कहते हैं, और इसके जो इंडिविजुअल मेंबर्स होते हैं वो सेपल्स या बाह्य दल कहलाते हैं। मतलब इसकी जो यूनिट्स होती हैं एक एक जो इकाई होती है वो बाह्य दल या सेपल्स कहलाती हैं। सेकंड होल आता है इसमें कोरोला दलपुंज, और इसके इंडिविजुअल मेंबर जो है वो पीटल्स कहलाते हैं, पीटल्स या फिर दल दल कहलाते हैं। थर्ड जो है वो होता है इसमें एंड्रोशियम होल, जो कि तीसरा चक्र होता है और कोरोला के इनर साइड में प्रेजेंट होता है। इसके जो इंडिविजुअल मेंबर्स जो हैं वो स्टेमन या पुंकेसर कहलाते हैं, और सबसे इनर मोस्ट जो आता है वो होता है गाइनोशियम होल या गाइनोशियम चक्र, जो किसका मादा भाग होता है, और इसके जो इंडिविजुअल मेंबर्स हैं वो कार्पेल्स कहलाते हैं, स्त्री केसर कहते हैं इनको। तो ये जो है जनरल चार पार्ट होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ये जो चार पार्ट है ये एक फ्लावर के अंदर जो है प्रेजेंट होते हैं, और जो चारों एक साथ प्रेजेंट होते हैं, जिस फ्लावर के अंदर चारों एक साथ प्रेजेंट होते हैं उसे कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। नेक्स्ट इसमें फर्स्ट है स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट स्टेमन एंड माइक्रोस्पोरेंजियम। सबसे पहले जो है हम लोग इसमें मेल गैमेटोफाइट जो है उसकी स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट को देखेंगे। जैसा कि हमको पता है कि फ्लावर जो होता है फ्लावर के अंदर जो मेल पार्ट है वो होता है स्टेमन। स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द एंजियोस्पर्म, विच इज़ ऑल्सो नोन एज माइक्रोस्पोरोफिल। स्टेमन जो होता है इससे ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है इसको माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं। ईच स्टेमन हैज़ रिमेन डिवाइड इन थ्री पार्ट्स, फिलामेंट, कनेक्टिव एंड पोलन सैक। एक जो स्टेमन होता है उस एक स्टेमन के जनरली तीन पार्ट होते हैं, जैसे कि आप लोग इस डायग्राम में देख रहे हैं। ये जो डायग्राम है इसमें ये जो लॉन्ग स्ट्रक्चर है ये इसका फिलामेंट होता है। ये जो फिलामेंट है ये एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, और ये जो फिलामेंट होता है इसका फंक्शन ये होता है कि ये जो एंथर होता है उस एंथर को थैलेमस के साथ कनेक्ट करके रखता है, उसको जोड़ के रखता है। उसके बाद में इसका जो अपर मोस्ट पार्ट है से ऊपर का जो पार्ट है ये जो पार्ट है ये इसका एंथर कहलाता है। इस एंथर के अंदर जो है इसमें पोलन ग्रेन्स या मेल गैमेट जो होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है, तो पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन
इस एंथर में होता है। जो एंथर और फिलामेंट जो होते हैं इनको यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए जो है कनेक्टिव प्रेजेंट होता है, ये योजी ऊतक कहते हैं उसको। तो ये इसके साथ इसको अटैच करता है। इसके साथ ही ये जो एंथर होता है, एंथर जब बाइलोब्ड होता है तो उन लोब्स को भी कनेक्ट करता है कनेक्टिव सॉरी फिलामेंट इज लॉन्ग स्टाल्क लाइक पार्ट ऑफ स्टेमन एट द टिप ऑफ पोलन विच पोलन सैक इज सिचुएटेड। इसका जो टिप पार्ट होता है फिलामेंट के, इसके टिप पे मतलब जो अपर पार्ट होता है उसके ऊपर पोलन सैक प्रेजेंट होता है। टिपिकली ईच पोलन सैक हैज़ टू लोब्स। एक जो जनरली एंथर होता है उस एंथर के अंदर दो लोब्स प्रेजेंट होते हैं विच रिमेन अटैच टू वन अनदर बाई कनेक्टिव। दोनों लोब जो होते हैं जैसे फर्स्ट लोब ऐसे सेकेंड लोब, ये दोनों जो लोब है यहाँ से जो है वो कनेक्टिव जो है उसके साथ अटैच होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। द कनेक्टिव इज ए स्टेराइल टिश्यू विच इज ईच लोब ऑफ पोलन सैक रिमेन डिफ्रेंशिएट इंटू टू चैम्बर्स विच आर नोन एज पोलन सैक और माइक्रोस्पोरेंजिया। ये जो एंथर होता है इस एंथर के एक जो लोब है इसके दो पार्ट बने हुए होते हैं ऐसे, फर्स्ट ऐसे दूसरी जो लोब होती है उसके भी दो पार्ट होते हैं। तो ऐसे जो कंप्लीट एक जो एंथर होता है या पोलन सैक जो होता है उसके अंदर फोर जो है पोलन सैक्स का फॉर्मेशन होता है, और इन फोर पोलन सैक्स को फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये जो फोर पोलन सैक बनते हैं इनको माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं। देयरफॉर ईच बाइलोब्ड पोलन सैक्स पॉसेस फोर माइक्रोस्पोरेंजिया। इस प्रकार एक जो बाइलोब्ड फर्स्ट सेकेंड ऐसे बाइलोब्ड जो होता है उसके अंदर टोटल चार जो है फोर माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, जैसे फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट सेकेंड फिर थर्ड फोर्थ। तो बाइलोब्ड जो पोलन सैक होता है उसके अंदर चार माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। इन द मेंबर ऑफ फैमिली मालवेसी द पोलन सैक हैज़ ओनली वन लोब विच हैज़ टू माइक्रोस्पोरेंजिया। फ्रेंड्स यहाँ से ये जो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फैमिली मालवेसी जो है मालवेसी फैमिली में ओनली सिंगल लोब्ड पोलन सैक जो है वो प्रेजेंट होता है, और इस सिंगल लोब के अंदर दो जो है दो माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। तो मालवेसी जो फैमिली है इसमें सिंगल लोब या एक पाली युक्त जो है वो एंथर या पराकोस प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन्स डेवलप्ड इन दी स्पोरेंजिया। ये जो एंथर होता है एंथर के जो चार पार्ट बन रहे हैं इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये वाले जो चारों ही होते हैं इन चारों माइक्रोस्पोरेंजिया और ये जो पोलन सैक्स जो होते हैं इनके अंदर माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन्स, ये वाले जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये मेल गैमेट्स की तरह बिहेव करेंगे जो कि बाद में फर्टिलाइजेशन में यूज़ होंगे। तो इन ये वाले जो है ये पोलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन इसी एंथर वाले पार्ट में होता है। ओके नेक्स्ट जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख पा रहे हैं ये वाला जो है ये एंथर जो होता है उस एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन है। ट्रांसवर्स सेक्शन ये जो फर्स्ट में इसमें लीनियर डायग्राम दिया हुआ है, सेलुलर डायग्राम है, माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है। इसके इसमें जो है ट्रांसवर्स सेक्शन में जब हम लोग देखते हैं तो आउटर से इनर वाले साइड में, आउटर से इनर साइड जो है उसके अंदर यहाँ पे चार लेयर्स प्रेजेंट होती है, एपिडर्मिस एंडोथीसियम मिडिल लेयर एंड टेपिटम, ये वाले जो हैं ये चार लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ईच पोलन सैक हैज ए होमोजीनियस मास ऑफ अनडिफरेंशिएट सेल्स कवर्ड बाई ए डेफिनेट एपिडर्मिस विच गेट डिफरेंशिएट इंटू फोर पोलन सैक्स बाई मैनी स्ट्रक्चरल चेंजेस। ये जो है फर्स्ट में इसका फॉर्मेशन जो है वो होमोजीनियस मास
या अनडिफ्रेंशियल सेल्स जो होते हैं उनके साथ इसका फॉर्मेशन होता है। सम हाइपोडर्मल सेल्स ईच पोलन सेक्स हैज़ बीन लार्ज साइज एंड कंटेन डेंस साइटोप्लाज्म इन कंपेरिजन टू अदर सेल्स। दीज लार्ज सेल्स आर नोन एज आर्किस्पोरियल सेल्स। इसमें कुछ जो सेल्स होती हैं वो साइज में बड़ी होती हैं और डेंस साइटोप्लाज्म कंटेन करती हैं अदर सेल्स के कंपेरिजन। तो ऐसी जो सेल्स होती हैं इन्हें आर्किस्पोरियल सेल्स या प्रपशु कोशिकाएँ कहती हैं कहते हैं आर्किस्पोरियल सेल्स और प्रपशु कोशिकाएँ। द डेवलपमेंट ऑफ पोलन सेक ऑफ यू स्पोरेंजिय टाइप। ये जो है इसमें यू स्पोरेंजिय टाइप का डेवलपमेंट होता है। यू स्पोरेंजिय जो डेवलपमेंट होता है इसमें बहुत सारी जो सेल्स होती हैं उनके डिवाइडेशन से इसका फॉर्मेशन होता है। इन दिस टाइप ऑफ पोलन सेक्स स्पोरेंजियल डेवलपमेंट मोर देन वन स्पोरेंजियल सेल्स इनिशियल टेक पार्ट। इसमें जो है इसके फॉर्मेशन में स्टार्टिंग में या इनिशियल स्टेज में जो है बहुत सारी सेल्स पार्टिसिपेट करती हैं। ईच आर्किस्पोरियल सेल्स गिव राइज टू टू सेल्स बाय ए पेरिक्लिनल डिवीजन। ये वाले जो है इसमें आउटर जो लेयर होती है उस आउटर लेयर की जो सेल्स होती हैं उन सेल्स के अंदर पेरिक्लिनल डिवाइडेशन होने से दो लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। इसमें जो सेल्स होती हैं वो पेरिक्लिनल डिवाइडेशन करके और दो लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। एक आउटर लेयर बनती है एक इनर लेयर बनती है। भाई पेरिक्लिनल डिवीजन पैराइटल सेल एंड प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। प्राइमरी पैराइटल सेल्स गिव राइज टू वॉल ऑफ पोलन सैक। पोलन सैक जो होता है उसकी आउटर लेयर का फॉर्मेशन करती है पैराइटल। गिव राइज टू वॉल ऑफ पोलन सैक वाइल प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स डायरेक्टली डेवलप इनटू माइक्रो स्पोर मदर सेल बाय मियोटिक डिवीजन गिव्स राइज टू मैनी स्पोरेंजियस स्पोरोजिनस सेल्स विच आर लेटर ऑन फंक्शन ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल। इनर वाली जो लेयर होती है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स ये बाद में जो है वो माइटोटिक डिवीजन करके और स्पोरोजिनस सेल्स जो है उनका फॉर्मेशन करती है। और ये वाली जो स्पोरोजिनस सेल्स होती हैं ये जो है बाद में चलकर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। मतलब ये वाली जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं जिनको हम लोग लिखते हैं MMC माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये वाली जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं इन्हीं से जो है बाद में पोलन ग्रेन्स उनका फॉर्मेशन होता है। थस ईच पोलन सैक हैज़ डिफ्रेंशिएट इनटू टू डिस्टिंक्ट पार्ट। इस टाइप से जो इसमें पोलन सैक जो होता है उसमें दो पार्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। फर्स्ट इसमें पोलन सैक वाल एंड स्पोरोजिनस सेल मतलब दो लेयर बन गई। इसमें फर्स्ट जो है इसमें पोलन सैक वाल जो कि आउटर लेयर में आउटर लेयर के तौर पे प्रेजेंट होती है जो कि बाहरी उसका फॉर्मेशन करती है। फर्स्ट इसमें पोलन सैक वाल इज फॉर्म्ड बाय प्राइमरी पैराइटल सेल एंड मैच्योर स्टेज अपीयर टू बी द डिफ्रेंशिएट इनटू फोर लेयर्स इन ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन जब देखते हैं तो इसमें ये वाली जो है वो फोर लेयर्स का फॉर्मेशन करती है। चार परतें जो इसमें बन जाती हैं। दीज फोर लेयर्स रिमेन अरेंज इन ए फिक्स मैनर फ्रॉम पेरीफेरी टू सेंटर। और ये वाली जो चारों ही जो लेयर होती हैं वो पेरीफेरी मीन्स आउटर साइड से इनर साइड की ओर जो है वो चार लेयर्स में जो है वो अरेंज होती हैं विच आर एज फोर लेयर्स फॉलोज जो कि ये जो है वो चार इस प्रकार से होते हैं एपिडर्मिस एंडोथीसियम मिडिल लेयर एंड टैपिटम। तो ये वाले जो चार हैं वो इस मैनर में प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट इसमें एपिडर्मिस दिस इज आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ ए पोलन सैक विच इज सिंगल लेयर एंड गिव राइज प्रोटेक्शन टू पोलन सैक। इन मैच्योर पोलन सैक द एपिडर्मल सेल अपीयर टेंजेंटली टू इलोंगेट एंड फ्लैट। ये वाली जो है जैसे कि आप लोग इस डायग्राम में देख पा रहे हैं ये जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है इस आउटर मोस्ट लेयर की बात करें तो ये जो आउटर मोस्ट लेयर होती है इसको कहते हैं एपिडर्मिस
और ये जो एपिडर्मिस होती है ये एक सिंगल लेयर्ड सेल होती है, सिंगल लेयर्ड सेल लेयर होती है, मतलब एक एक जो सेल्स होती हैं वो अटैच होके और इस लेयर का फॉर्मेशन करती हैं। और ये वाली जो लेयर होती है, इस लेयर का जो फंक्शन होता है वो होता है प्रोटेक्शन टू पोलन सैक। पोलन सैक जो होता है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट लेयर होता है तो प्रोटेक्शन का फंक्शन करती है। ओके, नेक्स्ट सेकेंड इसमें एंडोथीशियम। दिस लेयर लाइज जस्ट बिलो द एपिडर्मिस एंड कंपोज ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। ये वाली जो ये एपिडर्मिस के जस्ट बिलो साइड में मीन्स इनर साइड में प्रेजेंट होती है। द सेल्स ऑफ एंडोथीशियम आर थिक एंड रेडियली अरेंज्ड। ये वाली जो सेल्स होती हैं वो थिक होती हैं। सेलुलोज गेट्स डिपोजिट ऑन द इनर टेंजल वॉल्स ऑफ एंडोथीशियम एंड फॉर्म्ड रेडियली इलोंगेट यू शेप्ड फाइबरस प्लेट्स। दीज आर ऑफ हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। ये जो एंडोथीशियम होता है, इस एंडोथीशियम की जो सेल्स होती हैं वो हाइग्रोस्कोपिक होती हैं। हाइग्रोस्कोपिक मीन्स ये वाले जो है वो वाटर वाटर वेपर जो होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द नेचर या फ्रॉम द एनवायरमेंट इन नेचर एंड ड्यूरिंग ड्राई कंडीशंस ड्यू टू पुल द टेंशन। ये टेंशन प्रोड्यूस द इन दीज सेल्स विच आर रिजल्ट इन टू द डहेसेंट ऑफ द पोलन सैक। मीन्स ये वाली जो हाइग्रोस्कोपिक सेल्स होती हैं ये एनवायरनमेंट से वाटर वेपर या ह्यूमिडिटी जो होती है उसको एब्जॉर्ब करके और स्वेल्ड हो जाती हैं। इसका जो फंक्शन है वो ये रहेगा कि जैसे पोलन सैक मैच्योर होगा तो मैच्योर होने के बाद में ये वाली जो है वो जो वाटर वेपर होती है उसको एब्जॉर्ब करके और पोलन सैक के डहेसियंस में हेल्प करते हैं। डहेसियंस का मतलब ये होता है कि मैच्योर होने के बाद में यहाँ से पोलन सैक जो होते हैं वो फट जाते हैं, तो जैसे मैच्योर होकर फटेंगे तो यहाँ से पोलन ग्रेन जो है वो आउटसाइड में रिलीज हो जाएंगे, एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाएंगे और पोलिनेशन में यूज़ होंगे। ओके, नेक्स्ट थर्ड लेयर इसमें मिडिल लेयर। वन ऑफ थ्री लेयर्स ऑफ सेल्स जस्ट इनसाइड द एंडोथीशियम फॉर्म द मिडिल लेयर्स। ये वाली जो है वो सेकेंड लेयर जो होती है एंडोथीसियम उसके इनर वाले साइड में प्रेजेंट होती है मिडिल लेयर। दीज सेल्स हैव थिन सेल वॉल एंड शॉर्ट लिव्ड। ये वाली जो है वो थिन वॉल्ड होती हैं, पतली भित्ती वाली होती हैं और शॉर्ट लिव्ड होती हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं इसमें फोर्थ टेपिटम। दिस इज द इनर मोस्ट एंड स्पेशल लेयर ऑफ पोलन सैक। ये वाली जो एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं और इनका जो फंक्शन होता है वो भी स्पेशल होता है। फॉर्म ए सिंगल लेयर एंड अराउंड अराउंड द स्पोरोजेनस टिश्यू। दीज लेयर्स गेट फुली मैच्योर्ड एंड टेट्राड स्टेज ऑफ माइक्रोस्पोर। दीज साइटोप्लाज्म हैज टैपिटल सेल्स इज डेंस एंड न्यूक्लियस इज कंसिस्पियस। एट मैच्योरिटी दीज सेल्स बिकम मल्टी न्यूक्लेटेड एंड पॉलीप्लोइड। वन ऑफ द बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ नेचर टेपिटम सेल्स देर आर टू टाइप्स ऑफ टेपिटम इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जो होते हैं इसके अंदर दो टाइप के टेपिटम सेल्स प्रेजेंट होती हैं, आर नोन एज अमीबॉइड और पेरीप्लाज्मोइडल सेल्स। ये वाले जो इसको अमीबॉइडल या फिर पेरीप्लाज्मोइडल और सीक्रेटरी और ग्लैंडुलर जो है ये इसके दो पार्ट होते हैं। इन द सेल्स ऑफ टेपिटम सम राउंड बॉडीज विद फैटी नेचर एंड फाउंड विच आर टर्म्ड एज प्रोबस बॉडीज। इसके अंदर जो है वो कुछ राउंडेड बॉडीज गोल आकृति की जो है वो फैटी एसिड्स की पिंड या बॉडीज प्रेजेंट होती हैं जिनको प्रोबस बॉडी कहते हैं। दिस प्रोबस बॉडीज चेंज इन टू यूबिस बॉडी आफ्टर डिपोजिशन ऑफ मटेरियल नोन एज स्पोरोपोलेनिन। ये वाली जो यूबिस बॉडी जो होती हैं इसके अंदर स्पोरोपोलेनिन जो है उसका डिपोजिशन होने से डिपोजिशन ऑफ मटेरियल नोन एज स्पोरोपोलेनिन स्पोरोपोलेनिन जो है इसका डिपोजिशन हो जाता है। और ये जो स्पोरोपोलेनिन होता है फ्रेंड्स
फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि बाद में जो ये जैसे पोलन ग्रेन्स जो बनते हैं, तो पोलन ग्रेन्स में दो लेयर प्रेजेंट होते हैं, एक्जाइन और इंटाइन। तो एक्जाइन जो आउटर लेयर होते हैं, उस एक्जाइन का फॉर्मेशन इसी स्पोरोपोलेनिन से होती है, जो कि पोलन ग्रेन जो होते हैं उनको डैमेज होने से बचाता है। दिस यूबिस बॉडी हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्जाइन ऑफ पोलन ग्रेन्स। तो ये जो इस स्पोरोपोलेनिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पोलन ग्रेन्स जो होते हैं पोलन ग्रेन्स की एक्जाइन का फॉर्मेशन करते हैं। इन मेजोरिटी द ऑफ एंजियोस्पर्म सीक्रेटरी टाइप्स ऑफ टैपिटम इज फाउंड। एंजियोस्पर्म जो होते हैं उनके अंदर सीक्रेटरी टाइप का जो है वो टैपिटम प्रेजेंट होते हैं। इन एडिशन ऑफ प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टैपिटम हेल्प इन मैनी अदर इम्पोर्टेंट फंक्शन इन द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स। ये वाले जो टैबिटम होते हैं ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स होते हैं उनको। इफ़ देर इज डीजनरेशन ऑफ टैबिटम बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स देन पोलन ग्रेन्स बिकम स्टेराइल और एबॉर्टेड। यदि ये वाले जो है टैबिटम लेयर्स पोलन ग्रेन्स के फॉर्मेशन से पहले यदि डीजनरेट हो जाएं, तो उससे पोलन ग्रेन जो होते हैं वो स्टेराइल हो जाएंगे, उसमें जो है रिप्रोडक्शन पावर नहीं रहेगी। उसके बाद में सेकंड पार्ट जो है वो है स्पोरोजीनस सेल्स। द ग्रुप ऑफ सेल्स इन द पोलन सैक सराउंडेड बाय पोलन सैक वाल। ये जो है वो पोलन सैक वाल जो होती है उसके थ्रू जो है कवर्ड रहते हैं, और कवर्ड होने के बाद में जो है कवर्ड होते हैं एंड नोन एज स्पोरोजीनस सेल्स। दी सेल्स फॉर्म माइक्रोस्पोर मदर सेल। और ये वाले जो स्पोरोजीनस सेल्स होते हैं इन्हें से माइक्रोस्पोर मदर सेल्स और MMC माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है। मतलब आगे चलकर जो पोलन ग्रेन्स बनेंगे ड्यूरिंग डेवलपमेंट वो इन्हीं से बनेंगे। ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल गिव राइज टू 4 माइक्रोस्पोर बाई मियोसिस। यहाँ से जो स्पोरोजीनस सेल्स, एक जो स्पोरोजीनस सेल्स है इसमें मियोसिस डिवीजन होगा, और मियोसिस डिवीजन से यहाँ से कंप्लीट जो है एज ए रिजल्ट 4 जो है माइक्रोस्पोर जो है उनका फॉर्मेशन होगा। ये एक जो स्पोरोजीनस सेल्स है इससे टोटल 4 पोलन ग्रेन्स जो है उसका फॉर्मेशन होगा। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।